बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पहला अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में राज्यों का पुनर्गठन को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्रता के साथ ही भारतीय सरकार के सम्मुख देश में व्याप्त दो स्तरीय प्रशासन का एकीकरण करते हुए एक सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित करना था। अंग्रेजों ने 11 प्रांतों और 4 कमिश्नरी का गठन अपनी राजनीतिक आवश्यकता तथा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया। स्वतंत्रता के बाद देश में लगभग 565 स्वतंत्र रियासतें और रजवाड़ों को भारत में विलय हो जाने से प्रांतों या राज्यों का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों के पूर्व स्थापित प्रांतों को मिलाकर देश में 4 श्रेणी के राज्यों का पुनर्गठन कर अंतरिम व्यवस्था की, जिसका आगे चलकर पुनर्विचार करते समय भारत की आंतरिक भौगोलिक संरचना, उसकी सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता के आधार पर पुनर्गठित किया जाना था। इसी समय देश के लिए एक आदर्श संविधान का निर्माण भी करना था, जिसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच राजनीतिक संबंधों, उनकी शक्ति एवं कार्य क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन भी किया जाना था। संविधान के निर्माण काल में संविधान निर्माणकर्ताओं के मध्य जनता के बीच आचार व्यवहार के लिए संपर्क भाषा और अभिव्यक्ति के लिए लिपि के चयन को लेकर भी कुछ विवाद उत्पन्न हुआ। तो देखते हैं कि पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। राष्ट्रभाषा की समस्या तो सुलझ गई थी, किंतु भाषा को लेकर उठे कुछ प्रश्न क्षेत्रों के विवाद में सारे देश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं को भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा के समान सम्मान दिए जाने की मांग उठने लगी। कुछ भाषाई आंदोलनकारियों ने अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करना शुरू कर दिया और इससे बहुत तीव्र आंदोलन शुरू हो गए। यह मांग संविधान सभा में भी उठने लगी। फलस्वरूप जून 1948 में विधानसभा ने श्री एस के दर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की स्थापना कर उसे देश की अखंडता, एकरूपता और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आवश्यक मानकों में को ध्यान में रखते हुए शीघ्र अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दर आयोग ने देश के राज्यों का भ्रमण कर भाषा समर्थन संगठनों से चर्चा कर अपने प्रतिवेदन में प्रशासनिक व्यवस्था के सुसंचालन की दृष्टि से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर अपनी असहमति व्यक्त की। आयोग ने यह माना कि भाषाई एकरूपता का सिद्धांत प्रशासकीय व्यवस्था के सफल संचालन में यद्यपि सहायक हो सकता है, किंतु उसका नियामक नहीं बन सकता। आयोग की इस टिप्पणी से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करने वाले समर्थक संगठन को धक्का पहुंचा और वे हिंसक प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस समर्थित राज्यों में भी तीव्र आंदोलन शुरू हो गए। विवश होकर कांग्रेस संगठन ने एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें 3 सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। यह समिति JVP समिति के भी नाम से जानी जाती है। अब आते हैं, आयोग ने लगभग 2 वर्ष तक सारे देश का भ्रमण कर सभी भाषाभाषी संगठनों, बुद्धिजीवियों व राजनीतिज्ञों से विचार कर 30 दिसंबर 1955 को 267 पृष्ठों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया,
जिसमें देश की जनता की क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रहित में एक संतुलित एवं समन्वित पुनर्गठित राज्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करने हेतु कुछ सिफारिशें की। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें, बच्चों यह बहुत आईएमपी है और 4 नंबर का प्रश्न आता ही आता है हर साल कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें लिखें, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लें। पहला है, राज्यों के पुनर्गठन करते समय देश की अखंडता और एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता से ध्यान में रखा जाए। दूसरा, केवल भाषा के आधार पर एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पूर्णतः निरस्त माना जाए। पुनर्गठन में भाषाई एकरूपता को बनाए रखने का अवश्य प्रयास किया जाए, पर इससे क्षेत्र विशेष में भाषा की बहुलता से अल्पसंख्यक भाषाई जनता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। नवगठित राज्यों के निर्माण के समय भाषाई और सांस्कृतिक सजातीयता को भी विचारण में रखा जाए। पुनर्गठित होने वाले राज्यों की वित्तीय एवं प्रशासनिक विषयों की उचित व्यवस्था को भी विचार में अवश्य रखा जाए। वर्तमान में संविधान में वर्णित राज्यों के 4 पक्षीय वर्गीकरण को समाप्त कर सभी राज्यों को समान स्तर प्रदान किया जाए। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है देखते हैं। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना ने कन्नड़ भाषा भाषियों की उस मांग को जन्म दिया जिससे वे पुराने मैसूर राज्य को बंबई तथा हैदराबाद के कुछ भागों में मिलाकर नए राज्य की स्थापना की मांग कर रहे थे। राज्यों के पुनर्गठन की सुगबुगाहट अनेक स्थानों से सुनाई पड़ने लगी। ऐसी स्थिति में 29 दिसंबर 1953 को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की घोषणा की गई। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति फजल अली को बनाया गया। हृदयनाथ कुंजूर और के एम पणिक्कर को इस आयोग का सदस्य बनाया गया। आयोग की रिपोर्ट क्या थी? आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 267 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट में आयोग ने भारत के राजनीतिक मानचित्र के पुनर्निर्धारण में सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्रीय एकता को देने की बात कही। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्षेत्रीय भावनाओं और राष्ट्रहित के मध्य संतुलन स्थापित करने की पूर्ण कोशिश की, परंतु आयोग ने यह स्वीकार किया कि भाषाई एकरूपता प्रशासनिक कर्मठता में सहायक हो सकती है। आयोग ने सैद्धांतिक दृष्टि से यह भी स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में सामान्यतः भाषाई तत्व को ध्यान में रखा जाए। आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर सूची है कि स्वतंत्र भारत में नए राज्यों की स्थापना। 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई, 1961 नागालैंड, सन 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई, सन 1971 में हिमाचल प्रदेश, सन 1972 में मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई, सन 1975 में सिक्किम राज्य बना, 1986 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई, सन 1987 में गोवा, सन 2000 में उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना हुई, सन 2014 में तेलंगाना राज्य।